नमस्कार प्राग एक्सप्रेस न्यूज में आपका स्वागत है। मिशन 2023 की तैयारी शुरू करें कांग्रेस के कार्यकर्ता। बैठक के दौरान कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव संजय कपूर ने पार्टी कार्यकर्ताओं का आह्वान कराते हुए कहा कि अगले वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी के कार्यकर्ताओं को अभी से कमर कस लेनी चाहिए। ये चुनाव मध्य प्रदेश की दिशा और दशा को तय करेगा, क्योंकि भाजपा सरकार का कुर चेहरा बेनकाब हो चुका है। भाजपा सरकार ने आम जनता की जिस तरह से दुर्दशा की है, उसका जवाब देने के लिए प्रदेश की जनता तैयार बैठी है। हमें जनता की ताकत बनना होगा। आइए सुनते हैं कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव ने मीडिया से क्या कहा। तीसरी बार है। संगठन को किस तरह मजबूत किया जाएगा और कैसे एकजुट होंगे, और 2023 का क्या लक्ष्य रहेगा? देखिए, संगठन के संबंध में हम अलग अलग विधानसभा के लोगों से, मंडलम के, सेक्टर के, ब्लॉक के और तमाम मोर्चा संगठनों के सभी पदाधिकारियों से हमारी बहुत विस्तृत सुबह से चर्चा चल रही है। और संगठन को मजबूत करने के लिए हमने सबको एकजुट होकर इस लड़ाई को लड़ने का आह्वान किया। सबने उस पर सहमति जताई है, क्योंकि 2023 का चुनाव धीरे धीरे करीब आने वाला है और मुझे पूरा विश्वास है इस बार रीवा में 8 विधानसभा सीटें, हम सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं के पदाधिकारियों के सहयोग से हम 8 की 8 विधानसभा की सीटें जीतेंगे। फिलहाल तो हमने संगठन पे जोर दिया है, क्योंकि चुनाव प्रक्रिया चल रही है, तो मेंबरशिप किसकी कितनी करी इस पर भी हम लोगों ने चर्चा करी हमने, और आगे प्रोसेस चल रहा है चुनाव का, उसको पूरा होने के बाद जो नया गठन होकर आएगा उसके हिसाब से भी हम चुनाव में और मजबूती से पार्टिसिपेट करें। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनको कांग्रेस पार्टी उठा भी नहीं पाती है, जैसे रीवा से कई ट्रेनें अभी नहीं चल रही है, उस पर कभी कोई प्रयास नहीं करता है। नहीं, बिल्कुल, हमारी कांग्रेस यहाँ बराबर हर इश्यूज को उठाने का काम कर रही है और सभी जगह जो जनता के मुद्दे हैं, असली मुद्दे महंगाई का, बेरोजगारी का, भ्रष्टाचार का जबरदस्त मुद्दे हैं, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार इनसे जनता का को गुमराह करके भटकाने का काम कर रही है। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा गरीब के साथ, जिसके साथ अत्याचार हो रहा है, जिसका अन्याय हो रहा है, उसके साथ हमेशा खड़ी रही है और महंगाई के खिलाफ हमेशा लड़ाई लड़ती रही है। क्योंकि आज चाहे डीजल को देख लें या पेट्रोल देख लें, चाहे खाने के तेल देख लें, चाहे संगठन में कुछ बदलाव भी किए जाएंगे। देखिए, संगठन को मजबूत करने की बात हो रही है, अगर कहीं आवश्यक हुआ तो और लोगों को जोड़ा जाएगा और पार्टी को 2023 में मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। क्या उन्होंने वहाँ कोई समस्याओं की बात नहीं थी? पार्टी स्तर पर आने वाले चुनाव को लेकर के सकारात्मक चर्चा पूरे जिले को लेकर के हुई है, और मैं उम्मीद करता हूं कि जिस तरीके से हमारे जिले की राजनीतिक परिस्थितियां हैं, उस परिस्थितियों में हम लोग भारतीय जनता पार्टी से पिछली बार का रिजल्ट बड़ा मैंने खराब आए थे, उन सब मुद्दों पर चर्चा हुई और आने वाला जो संगठन को लेकर चुनाव है और खासकर संगठन का भी, इन सब मुद्दों को लेकर के हम लोग संगठन को मजबूती और प्लस आने वाले 2023 के चुनाव को लेकर के और उस पर मजबूती से 2023 को हम लोग उस सब मुद्दों पर उनसे चर्चा करेंगे।